हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से ईटी क्लान में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए दो पार्ट बता चुका हूँ पहले से, पार्ट वन पार्ट टू। यदि आप नहीं देखे हैं जाके पहले उसे देखिए, फिर इसको देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका तीन पार्ट में पूरा केमिस्ट्री मैं ख़त्म करने का प्रयास किया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है वही मैं उठाया हूँ आप सबके लिए, जिससे कि अब ज़्यादा आपको ना पढ़ना पड़े। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में शुद्ध एसीटोन। अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके तुरंत देख लीजिएगा, और जिससे कि आपका कुछ भी गड़बड़ ना हो आपके लिए, ठीक है ना। बस ये पहला क्वेश्चन हुआ प्रयोगशाला में शुद्ध एसीटोन। दूसरा क्वेश्चन है फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तीसरा क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे, क्या होता है जब। देखिए, ये दो क्वेश्चन में से एक करना होगा, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो ये वाला करेंगे या तो ये वाला, तो आप दोनों में से एक तैयार कर लीजिए। कौन सा आपको करना है एक ही तैयार कीजिए, नहीं तो दोनों प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक तैयार कर लीजिए, कैसे बनाएंगे या तो क्या होता है जब, ये दोनों में से एक तैयार कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम बस कुछ ही समय और है, ठीक है ना। और सभी यूट्यूब पर देखेंगे आप, जैसे ये बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो इसको बताएंगे दो तीन, इसको बताएंगे, जबकि पहले से वीडियो अपलोड हुआ है। तो आप सब जाके देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको नहीं आता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको ये बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए जैव अणु आरएनए। डीएनए और आरएनए पूछता है आपके एग्जाम में, दोनों में अंतर। छठा क्वेश्चन है हार्मोन, और सातवां क्वेश्चन है एंजाइम रीमन टीमन। देखिए, अलग अलग है एंजाइम और रीमन टीमन, स्मिटअप क्रिया, इसको राइमन टीमन भी बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कैसा नाम बता रहे हैं, राइमर टीमन। मैंने पहले इसको वीडियो बना चुका हूँ राइमर टीमन का। और अगला है स्मिटअप क्रिया, ये अलग अलग क्वेश्चन है, समझ लीजिए, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे सरल हमें लगता है कुछ और नहीं होगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है, प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। अगला है विटामिन सी के स्रोत, नौवां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन है बहुलक क्या है, ठीक है ना। वीडियो बनाने में टाइम लगा, क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगा, क्योंकि यह एक जगह से क्वेश्चन नहीं उठाया हूँ मैंने, कई जगह देखा, इम्पॉर्टेंट लगा, तभी मैं आपके लिए इसमें लिखा हूँ। टाइम लगा है तो आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। बस एक ही गुजारिश है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबको यह पता चल सके कि यह क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जो इसमें मेहनत किया हूँ, जो भी आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे मेरा सफल हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में।